हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। यदि ठीक नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको पूरे हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैप्रेट टेबलेट के रिगार्डिंग, कि मैप्रेट टेबलेट लेने के बाद में पीरियड्स कब आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कमेंट्स के थ्रू भी। मेरे वीडियो पर कमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, इस कमेंट्स को लेके, इस टॉपिक को लेके कमेंट्स किए गए हैं। तो आज मैं इसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि मैप्रेट टेबलेट लेने के बाद में पीरियड्स कब आने लग जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, आप चाहते नहीं कि आपकी पीरियड्स अभी आए, आप उनको थोड़ा ये चाहते हैं कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए, जो मेरी एक्चुअल में डेट है उससे थोड़ा पहले आ जाए। तो उसके लिए मैप्रेट टेबलेट आती है, उसको आप जो 10 mg TDS फॉर्म में लेना होता है 3 दिन तक। अब इसके लेने के तरीके अलग अलग होते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स इसको 5 डेज के लिए सजेस्ट करते हैं, काफ़ी 3 डेज के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इसके जो मेन क्वेश्चन है उसकी हम बात की जाए कि मैप्रेट टेबलेट को लेने के बाद में टाइम पीरियड्स कब आ जाता है, कि मेरा पीरियड कब आएगा, आ क्यों नहीं रहा। बेसिकली मैप्रेट टेबलेट काम करती है आपके हॉर्मोन्स पे, वो एक हॉर्मोनल पिल होती है जो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स है, उनको जल्दी लाने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर उस हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, वो होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उसके लेवल बढ़ते ही आपका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो काम करने लग जाता है और आपकी बॉडी के अंदर साइकिल आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी आ जाती है। अब काफ़ी केसेस में क्या होता है, किन किन महिलाओं के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, उसकी वजह से 1 या 2 दिन डिले हो जाता है पीरियड्स आने के अंदर, या फिर बाद में उस गोली को लेने का जो तरीका होता है, किसी ने 3 दिन तक TDS फॉर्म में लिए है, एक एक 3 दिन गोली ली है, या किसी ने 2-2 दिन तक, 5 दिन तक ली है। तो यदि किसी महिला के टाइम पीरियड नहीं आ रहा है इस तरीके से लेने के बाद में, तो आप 1 या 2 दिन तक आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आपने जैसे 3 दिन तक ले ली या 5 दिन तक गोली ली है, उसके 3 दिन के बाद में आपका डेफिनेटली टाइम पीरियड्स आ ही जाते हैं। मेन आपका, जैसे आपने 3 दिन तक गोली ली है, 3-3 गोली, जैसे 9 टैबलेट्स ले ली, उसके बाद में आपको 1 टैबलेट को रख देना है और फिर आप आने वाले 3 दिन तक वेट करना है, आपका पीरियड्स आ जाएंगे। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके पीरियड्स आ जाते हैं। फिर भी यदि नहीं आ रहे हैं तो आप 2 दिन तक और उसको कंटिन्यू कर लीजिए, आपका पीरियड डेफिनेटली आ जाएगा। यदि फिर भी आपके पीरियड्स में कुछ इश्यूज हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको आगे कंटिन्यू ना करें, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, शायद आपके कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। अब आप बहुत ही ज़्यादा रोज़ की रोज़ 30-30 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को की पिल को आप लेंगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। तो फ्रेंड, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि ठीक अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।